यहाँ से लगेंगे 12 घंटे 17 मिनट। अरे भाई साहब कहाँ से आ रहा है, 6 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यू बाइक चलाते हुए। क्रूज कंट्रोल है ना, कंपनी को देना चाहिए था यार। मैंने ले लिया है यहाँ पे गुरुजी का आश्रम, हरियाणा सेवा समिति के नाम से ये आश्रम है। सारे भैया राम राम भाई, और राम राम के साथ साथ बोलेंगे जय महाकाल, क्योंकि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि क्यों मैं महाकाल बोल रहा हूँ। क्योंकि ये वाली जो है अपनी ट्रिप स्टार्ट हो गई है महाकाल के लिए, और भाई जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया ना पुराने वाली सीरीज में, बहुत लाजवाब था, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ सारे भाइयों का। और इस वाली ट्रिप पे मैं आप लोगों का और ज़्यादा सपोर्ट चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं इसमें करने वाला हूँ सोलो राइड, क्योंकि इस बार मनीष भी नहीं जा रहा, चावला जी भी नहीं जा रहे, और अपना राजेश भाई भी नहीं जा रहा, मैं अकेले जा रहा हूँ। जो मेरे भाई महाकाल के भक्त हैं उनके लिए ये वाला वीडियो ना, ये वाला पूरा ट्रिप बहुत मस्त रहने वाला है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इसमें मैं आपको ना लाइव दर्शन करवाने जा रहा हूँ महाकाल के। और जिन जिन भाइयों की तमन्ना है जो जा नहीं पा रहे ना महाकाल के दर्शन, वो मेरी इस ट्रिप के साथ अपने महाकाल के दर्शन भी पूरे कर सकते हैं। मेरे को मतलब सुबह जल्दी 4 बजे के आसपास निकलना था, लेकिन मैं हो गया हूँ ऑलरेडी लेट, क्योंकि एक छोटा सा काम है ना फंस गया था यार, उसको अभी निपटा के आया हूँ। और अभी जो है ना 8 बज चुके हैं, और अपने को अब जो है 9 बजे निकलना है, तो फटाफट चलते हैं यार, नहाते धोते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मौसम भी थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि बाहर अगर मैं दिखाऊँ तो धूप निकल गई अच्छी खासी, और धूप निकल गई है तो भाई अब जो है गर्मी बढ़ने वाली है, तो गर्मी बढ़ने से पहले पहले जो है ना अपने को निकलना है यहाँ से, सो दैट अपने टाइमली हम जो है पहुँच जाए। और भाई लिटरली कह रहा हूँ कि इस वाले सीरीज़ में ना आपका बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अकेला होने की वजह से ना आप लोगों का सहारा है और महाकाल का सहारा है, तो भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो जो महाकाल के दर्शन करना चाहता ना उन सबको शेयर कर दो, क्योंकि इसमें आपको मैं लाइव दर्शन करवाने वाला हूँ। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं फटाफट, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से जय महाकाल। सो लो जी भाई चलते हैं अब तो लेक महाकाल का नाम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, चलते हैं भाई, जय श्री राम। चलो जी तो भाई निकल लिए घर से, और अपना आप जो है खींचते हुए चलेंगे बढ़िया मस्त। और ये जो राइड होने वाली है भाई नॉन स्टॉप होने वाली है, हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, और बढ़िया सी आरती लेंगे वहाँ पे महाकाल की, एंड चलते हैं भाई, मज़ा आएगा बहुत। व्लॉग में बने रहना, सपोर्ट करते रहना, आगे जो भी नज़ारे आते जाएंगे भाई वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। और ऑल्दो हमें निकलना तो मॉर्निंग में, लेकिन तो कुछ कारण ऐसा हुआ कि अपने आप को जो है ना लेट निकलना पड़ा भाई, और अभी यहाँ से निकले हैं, टाइम हो रहा है सुबह के 9:15 हो गए अब तो, खैर 9 बजे निकले थे घर से, एंड ओके यार इस ट्रिप को कर लेते हैं 0। ओके भाई KMP के पास जो कि आगरा दिल्ली वाला जो KMP पड़ता है वहाँ पे, और अपना जो है पेट्रोल जो है बाइक का ख़त्म होने वाला है, तो अभी करा लेते हैं इसको फिल। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, तो उससे फिल करा लेते हैं। अभी 66 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था ऑल्दो, बट जो है मीटर में इंडिकेशन आ गया लो फ्यूल का, तो चलो जी अब करवाते हैं अपना टैंक फुल बाइक का। तो भैया पेट्रोल आ गया है 1226 रुपये का, फुल टैंक करा लिया है अभी हमने, और बाइक फ़िलहाल जो चली है वो चली है 3179। अभी एक बार रुक के यार थोड़ा सा जैकेट पहन ही लेते हैं, ठंड लग रही है अब भाई। अपनी जो है जैकेट हमने पहन ली अब अंदर वाली, अब यहाँ से चलते हैं। ऑल्दो गर्मी तो हो रही है, लेकिन यार सर्दी भी लग रही थी बीच बीच में, जब अगर मैं मतलब तेज़ चला रहा था तो उसी चक्कर में हमने पहनी थी। फिर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया यार, चलो एनीवे देखते हैं अब क्या है क्या सीन बनता है। फ़िलहाल जो है ना आगे खींचते हैं यार, और अब जो है जयपुर से पहले कोई भी ब्रेक नहीं लेना अपने को, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब जो है रोड प्रेजेंस सुपर मीट्योर की बहुत ज़्यादा हो गई यार, बहुत लोगों ने लेनी स्टार्ट कर दी सुपर मीट्योर ही सुपर मीट्योर,
कम से कम भी 6 सुपर मीटियोर मैं देख चुका हूँ। अभी एक वहाँ और जा रही है, ये एक और है। अब तो शॉर्ट गन भी आ गई, तो शॉर्ट गन का भी क्रेज रहेगा आप लोगों में। बाकी रॉयल एनफील्ड काफ़ी ध्यान दे रहा है मोटरसाइकिल बनाने में, बहुत बढ़िया बढ़िया सी मोटरसाइकिल बना बना के कस्टमर्स को दे रहा है। एनीवे अपने को ये है बढ़िया, अपना जो है जुगनू मिल चुका है और अब चलेंगे भाई। खींचो खींच बढ़िया चलती है, रोड खुला हो ना इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई चलाने में। बस आगे कोई यार जाम ना मिले किसानों का, वो कुछ जो अभी चल रहा है वो वाला हिसाब किताब ना मिले इधर वाले एरिया जो रोड से, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे बढ़िया। और बाबा का नाम लेके चले हैं भाई, बाबा का दर्शन करने के लिए। तो यही उम्मीद करते भाई बाबा अपने पास जो है ना बढ़िया दर्शन करवाने के लिए बुला रहे हैं हमें, और अच्छे दर्शन करेंगे बाबा के। जय बाबा की, जय महाकाल। तो जी लो जी भाई, अभी हमने रुक के जो है ना मैप लगा लिया था, और मैप लगाने के बाद अभी जो है दिखा रहा है डिस्टेंस 685 किलोमीटर, और मुझे यहाँ से लगेंगे 12 घंटे 17 मिनट ये जो है मैप के हिसाब से दिखा रहा है। बाकी देखते हैं यार कितना एक्चुअल में टाइम लगता है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुँचे हम। अभी मौसम ना थोड़ा ऐसा हो रहा है यार, पता ही नहीं लग रहा है कि कब गर्मी लग रही है कभी ठंड लग रही है। अभी मैं रुका था तो मुझे गर्मी लगने लग रही है, लग जा रही है, चल रहा हूँ तो मुझे ठंड लग रही है, समझ ही नहीं आ रहा कपड़े पहनूँ उतारूँ क्या करूँ। ये वाला जो मौसम होता है ना सीरियसली ऐसा होता है कि आपको ना समझ ही नहीं आता कि कपड़े आपको कौन से रखने हैं, कौन से पहनने हैं, कौन से निकालने हैं। अभी हमने जो है रेवाड़ी को क्रॉस कर लिया है भाई, और बाइक अपनी 3211 किलोमीटर चल चुकी है, जबकि हम घर से चले थे या टैंक अपने जब फुल करवाया था तब 3179 हुआ था, अभी 3211 हो गया है। अभी ट्रिप वाला जो है ना इसका सेट नहीं हो पा रहा यार, पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है, वो आगे चल के कहीं रुकेंगे तब वहाँ उसको सेट भी करेंगे ट्रिप वाले को। बाकी फ़िलहाल की जो ट्रिप है अपनी वो हम इस वाले मीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है ना जब बंदा अकेला ट्रैवल कर रहा होता है ना तो उसको डेस्टिनेशन ही दिखाई देती है, मतलब जब 2-3 बंदे होते हैं तो रुकना रुकाना बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं अकेला चल रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं रुकूँगा, और कोशिश करूँगा कि जयपुर को भी मैं क्रॉस करके रुकूँ। बीच में से एक रास्ता और जा रहा था अलवर से, वो हमने नहीं लिया जो भिवाड़ी की तरफ से जो जा रहा था, तो ये जा रहा है जयपुर से सीधा कोटा होते हुए, तो ये वाले रास्ते पे ही चलेंगे भाई, ये सीधा सीधा सा रास्ता है। ओ ताऊ का कुछ गिर गया क्या? अरे ताऊ जी कागज़ गिर गया, ताऊ कागज़ उठाने के लिए आए भाई स्पेशली ट्रैक्टर को रोक के बीच में, कुछ होगा इम्पोर्टेंट। और बताओ भाई आप स्वाद है कि नहीं है, लाइफ में स्वाद आते रहना चाहिए भाई, खाने में और जीवन में दो ही चीज़ों में आना चाहिए स्वाद। और मैं अभी एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ भाई। चलो जी भैया पहला टोल आ गया है अपनी ट्रिप का, और पूरे रास्ते ना देखेंगे कि कितने टोल आते हैं इस वाले रास्ते से अगर जाते हैं। बोल दो अब मुंबई एक्सप्रेसवे वाला जो है ना खुल चुका है, तो मोस्टली जो बंदे ना मुंबई एक्सप्रेसवे से चले जाते हैं जो गाड़ी से जाते हैं, बट मुंबई एक्सप्रेसवे भाई बाइक तो अलाउड नहीं है, तो अपने को तो इधर से ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा बाइक के लिए क्या हो जाता है कि लंबा पड़ जाता है ये वाला रास्ता, मतलब 1-1.5 घंटे का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उतना ही वहाँ पे ना यार वो बहुत ही बोरिंग रास्ता है यार। जब वहाँ पे ना आपको इक्का दुक्का कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो खुला हुआ है, अदरवाइज़ तो भैया वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। एटलीस्ट यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गाड़ियाँ, इधर उधर क्या एक्टिविटी चल रही है, थोड़ा फन टू राइड है। हाँ माना कि थोड़ा सा लंबा भी पड़ता है और उबड़ खाबड़ भी रास्ता, लेकिन आप बोर नहीं होगे इस पर। अभी क्या है कि मेरे को थोड़ी थोड़ी ना नींद आ रही है यार, नींद ऐसे अगर आपसे बात नहीं करूँगा ना तो सो जाऊँगा मैं चलाते चलाते, तो मैंने सोचा कि आपसे ही बात करता हुआ चलता हूँ। बढ़िया मस्त, ये देखो भाई साहब तीनों ना बिल्कुल लाइन से चलेंगे, ये है इन ट्रकों की दिक्कत इस वाले रूट पे, पैरेलल चलेंगे भाई, किसी को कोई मतलब नहीं कहाँ चलना है क्या नहीं चलना है। और अंटर वाला भैया पूरा देख के जोश आ गया हमें, मानेसर से मिले थे ये भाई साहब, और सही रफ्तार में चल रहे हैं हम, हैंडल बार राइजर लगवा के सही करवा रखा भाई, लग रहा है कोई लंबे ट्रिप पे निकला है अपनी तरह। तो भाई गूगल बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे 11:13 तक पहुंच जाओगे, ये जो मैप में दिखा रहा है उसके हिसाब से। फिलहाल हमने लगने वाले हैं 11.5 घंटे मान के चलो, अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं कोई ब्रेक नहीं लेते हैं तब की, ये कैलकुलेशन करके बता रहा है गूगल बाबा। जयपुर यहाँ से करीब 152 किलोमीटर के आसपास है भाई,
और होपफुली हम उसको 1.5-2 घंटे मान के चलो 2 घंटे में कवर कर लेंगे। वैसे अकेले चलाने में भी ना बड़ा मज़ा आता है, आप ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते कि आपको कैसे चलना है, आपको स्लो चलना है तेज़ चलना है, आप अपनी मर्जी से चल सकते हो। लेकिन जब आप साथ में ग्रुप में राइड कर रहे होते हैं ना तो आप बाउंड हो जाते हो कि यार आपको चलना ही चलना है, जैसे बंदे और चल रहे हैं उसके हिसाब से चलना है। तो घर से निकला था थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था कि सोलो में यार पता नहीं मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट अब फिलहाल तो भाई मज़ा आ रहा है और आप लोगों से बात करके तो और मज़ा आता रहता। तो भाई हम पहुंच गए शाहपुरा एज़ यूजुअल, जहां ऐसा तगड़ा जाम लगा रहता तो ये जाम देख के ना समझ में आ जाता कि हाँ शाहपुरा आ गए हैं हम। और ये फ्लाईओवर ना बहुत टाइम से बन रहा है यार, बना ही नहीं है अभी तक। और किसी भी टाइम आ लो यार, यहाँ ट्रकों की ना भरमार मिलती है आपको, चाहे रात को आ लो चाहे दिन में आ लो, हर वक्त ट्रक ही ट्रक मिलेंगे बहुत ज़्यादा। बाइक चल चुके 3329, हम चले थे 3179 पे, तो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर तो हो गए हैं। तो ये नहीं पता कि हमें हॉर्न दे रहा है, अरे भैया हम निकल जाएंगे आगे। अब हर जगह रोड ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, यार क्या कर रखा है। चलो जी यहाँ से उतारो इसे, तो जहाँ मर्जी से ले जाओ भाई उस घोड़े को, यही तो स्वाद है इसका। लास्ट वीक जो आपने देखे होंगे व्लॉग्स, उसके अंदर हम होके आए थे भाई नारकंडा, शिमला, कुफरी, चैल, 4 दिन का अपना बढ़िया ट्रिप था। और ये भी 4-5 दिन का ट्रिप है भाई बढ़िया। तो पहले महाकाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर जैसलमेर और जोधपुर होते हुए वापस। तो ये है फिलहाल अपना रूट प्लान इस ट्रिप का। तो भैया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। तो वो इधर की गाड़ियों पर पता है क्या होता है, मोस्टली लोग है ना अपने गांव का नाम अपना नाम वो लिखवा के रखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ ना छावड़ी सरपंच सलामपुरा। तो भैया ये जो गाड़ी है इट बिलोंग्स टू सलामपुरा। ओ भाई साहब ये क्या कर रखा है भाई जी। भाई साहब खिड़की के हैंडल टूटे हुए हैं, पीछे से लाइट फूटी हुई है, बम्पर लटका हुआ है और बंदे पूरा अपना मस्त एंजॉय करते हुए चल रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर। गजब ही लोग होते हैं यार सही में ही। जयपुर जो है यहाँ से रह गया है अबाउट 65 किलोमीटर, तो होपफुली हम 1 घंटे में और कवर कर लेंगे जयपुर को और फिर एक ब्रेक लेंगे चाय का। तो टोटल 200 किलोमीटर के बाद ही बाइक रुकेगी अपनी। ओहो बाइक तो पहले ही रुक जाएगी यार, ये तो जाम लगा पड़ा भाई तगड़ा वाला। ये आ गया भाई शाहपुरा वाला जो टोल होता है ना वो आ गया ये। ओहो रोड बन रहा है यहाँ पे भी, उसी के चक्कर में जाम लगा। ओ भाई सारा बच्चे देख के ना बड़े खुश हो जाते हैं। अरे हम कहाँ से जाएं भाई। आगे भी भैया ऐसा ही बवाल है तो। अरे धूल देखो भैया सारा आट देगा ये तो। फाइनली फाइनली निकल आए भाई। फिलहाल भाई जयपुर के अंदर घुस गए हैं, अंदर अंदर से दिखा रहा है ये टोंक वाले रास्ते से, और यही बेटर था। बाहर वाला भी दिखा रहा था बट बाहर वाले पे ना जाम काफ़ी दिखा रहा था, तो हमने प्रीफर कर लिया अब अंदर अंदर वाला। और यहाँ से फिर टोंक वाले रोड पे चढ़ जाएंगे और फिर सीधा सीधा है भाई कोटा तक। तो ये हम चढ़ चुके हैं भाई कोटा वाले रोड पे और ये सीधा जाता है कोटा, टोंक रोड भी बोलते हैं इसको। यार ये मुझे ना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इसका, मैंने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फ़ोन को ना बाहर एक्सपोज करके रखना पड़ रहा है। लाल भाई जयपुर की भसड़ से निकला है ट्रैफिक वाली से, खुला खुला रोड है भाई लोग, मज़ा बहुत आ रहा है एक नंबर का ऐसे खुले खुले रूट पे चलते हुए यार, बिल्कुल अब आ रहा है मज़ा तो यार चलने का सही में। बस यहाँ पे क्या है ना कि इन रोड पे थोड़ा सा गाय वाय का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है रोड की भी। ये देखो इन गाय की मैं बात करता ना, ऐसे गाय हैं ना बहुत ज़्यादा गायें हैं यहाँ पे इस रूट पे।
छोटे छोटे ना टारगेट्स बना के चलते हैं यहाँ से। अभी नेक्स्ट जो टारगेट है अपना कोटा पहुँचने का है, और कोटा ऐसे ही, कोटा तक ऐसे ही रास्ता है आई गेस। भाई सुबह 9 बजे से चला था मैं और अभी तक नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ, एक ब्रेक नहीं लिया, सिंगल वाला भी ब्रेक नहीं लिया है। और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है भाई 3:03 सुबह 9 से 3 बजे, 6 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यू बाइक चलाते हुए। और तो ये फ़ोन ने चार्जिंग वाले ने बड़ा दिक्कत कर दिया यार। और दूसरा भाई अभी कहीं तो बैठना पड़ेगा यार, ऐसे भूख से लग गई अब थोड़ी थोड़ी ना। सुबह जस्ट मैं खीर खा के चला था, उसके बाद ऐसे ही चल रहा हूँ। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ टोंक। टोंक यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया है, 166 रह गया भाई कोटा यहाँ से। मैं इसलिए नहीं रुक रहा यार कि जो भी मैंने लीड ली है ना अभी टाइम की, वो रुकते के साथ ही ना वो लीड ही ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोल भी लेना भाई अपने को, एक डंडा रह गया है बस। अभी जो एवरेज है वो ड्रॉप हो गया 28.4 आ गई है। देखो भाई अभी मैं कोई नदी क्रॉस कर रहा हूँ और नदी के बीचों बीच कितनी मोटी मोटी चट्टाने हैं, मेरे को नहीं पता ये कौन सी वाली नदी है, क्या नदी है। अरे भाई साहब कहाँ से आ रहा है ये बंदा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अभी भिड़ जाता मेरे से। हद ही होगी यार लोगों की ना, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। तो ये कौन सी नदी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया ये नदी कौन सी है। लेकिन पानी वानी तो है ही नहीं इसमें, ब्लू ब्लू दिखा रहा था सारा मैप में। ढाबा ढूंढता हुआ आ रहा हूँ कि कोई एक ढंग का ढाबा मिल जाए जहाँ मैं चाय पी सकूँ। मुझे एक भी ढाबा ढंग का नहीं दिखाई दे रहा। मैं सोच रहा था कि चार्जिंग पे लगा लूँगा इनको, अपने आइटम को कुछ ऐसा दिख जाए, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। बड़ी दिक्कत है इस रूट पर तो ये वाली। तो पेट्रोल भी मैंने 500 रुपये का ही डलवाया यार, यहाँ पे पता नहीं कैसा पेट्रोल डलता है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि कोटा ही डलवाऊँगा जाके, यहाँ पे बीच रास्ते में ख़त्म हो गया था अपना पेट्रोल। ओहो थोड़ा सा खड़ा हो लेते भाई, अब बहुत देर बैठ के चला लिया है। क्या स्वाद आ रहा है भाई साहब, सही में बैठे बैठे ना कमर अकड़ गई थी अब, क्योंकि यार सुबह 9 बजे से चला रहा हूँ यार। पानी के लिए भी ब्रेक नहीं लिया भाई मैंने, पानी के लिए भी ब्रेक नहीं लिया एक भी, कंटिन्यू चला रहा हूँ। नॉन स्टॉप है भाई ये वाली राइड तो, लिटरली नॉन स्टॉप ही है। इसमें ना क्रूज कंट्रोल की फीलिंग मतलब मैं मिसिंग कर रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल है ना कंपनी को देना चाहिए था यार, एक वो और आइटम दे देते, थोड़ा पैसा और ले लेते ना तो सही हो जाता, क्रूज कंट्रोल और दे देते। कोटा यहाँ से रह गया है 90 या 92 किलोमीटर, और 1 घंटे में अब कोटा पहुँचने का टारगेट रखते हैं यार। बहुत टाइम हो गया ऐसे तो हम पहुँचेंगे नहीं फिर। छोटे छोटे ना मच्छर बहुत ज़्यादा हैं यार, इन्होंने बहुत परेशानी कर दी। तो फिलहाल भाई हमने कोटा कर दिया है बाईपास अभी, और जो पीछे अभी टोल गया है ये कोटा का टोल था। बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने बैटरी चेंजिंग पे लगाई थी। तो इधर पड़ता है कोटा, और हम जा रहे हैं हम सीधा कोटा को बाईपास करते हुए। यहाँ से अंदर जाने के बाद अंदर 14 किलोमीटर के आसपास कोटा पड़ता है, और हम बार बार ये जो है बाईपास, इसको बाईपास करते हुए जो है हम आगे निकल जाएंगे भाई यहाँ से। ये देखो भाई साहब क्या ब्रिज बना है यार, कितना मस्त। ओए होए होए होए, ऐसा लग रहा है जैसे लंदन के किसी ब्रिज पे चल रहा हूँ। क्या मस्त बना रखा भाई साहब ये पुल, गजब। तो ये हो गया टोल नंबर 4 भाई, 4 टोल अभी तक फिलहाल हमने क्रॉस किए हैं। थोड़ा सा खींचते हैं भाई अब बाइक से। अब निकल रहे हैं भाई प्रॉपर जंगल में से एकदम, यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है। ये देखो एकदम जंगल है भाई यहाँ ये वाला रास्ता, और यहाँ पे लिखा हुआ भी था कुछ चेतावनी, सावधान कुछ जंगली जानवरों से, और ये सब लिखा हुआ भी था यहाँ पे। सा किला भाई, ये कौन सा कोई किला है तो भाई साहब, ये देखो किले की दीवारें बनी हुई हैं, पूरी जंगल में बना हुआ ये किला। किसी को पता हो तो मुझे बताना भाई कौन सा किला है। 1387 झालवाड़ उज्जैन रह गया भाई यहाँ से, 224 किलोमीटर और।
मुलवाड़ा करके टाइगर रिजर्व था जहाँ से अभी हम गुजर रहे थे ना, तो मैंने नाम पढ़ा था उसका कहीं से, एग्जैक्ट नाम पूरा नहीं पढ़ पाया बट ऐसे कुछ था, टाइगर रिजर्व था। लेकिन ये हाईवे बन रहा है यार, यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, 100 की स्पीड लगी हुई है, एक नंबर का मस्त नज़ारा आ रहा है। ऐसा पूरा पूरे इंडिया में ना ऐसे लाइटनिंग वाले हाईवे बनाने चाहिए और बाइकर्स को भी अलाउड कर देना चाहिए हर जगह, तब आएगा मज़ा। आप क्या कहते हो बताओ? ये देखो कहाँ से आ रहे हो, मुँह रखा भाई, कोई भी कहीं से भी मुँह उठा के आता है यहाँ पे, बहुत अनसेफ है ये चीज़ है ना, बहुत अनसेफ है यार सीरियसली। जय बाबा की, जय महाकाल, बाबा बढ़िया दर्शन करवाने हैं तेरे दर पे आ रहे हैं, जय बाबा की, मज़ा आ जाएगा भाई है ना बाबा के दर्शन करके। और फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं बाइक से आ रहा हूँ, लास्ट टाइम आया था बट मैं भस्म आरती नहीं कर पाया था, तो इस बार मेरा मन है कि मैं भस्म आरती ज़रूर करूँ, बाबा के अच्छे से दर्शन करूँ। अब इमोशनल हो रहा हूँ बाबा जी, अब क्या। और अगर पॉसिबल हो पाए ना भाई, आपको अंदर की सारी वो दिखाऊंगा कैसे भस्म आरती होती है एक्चुअल लाइव वाली, अगर उन्होंने कैमरा लेके जाने दिया तो। वीडियो में जो है ना बने रहना भाई, पूरा व्लॉग जो है ना कंटिन्यू देखना, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है इसमें। सा हाईवे छोड़ गया, अब फिर से हम दोबारा से वो सिंगल हाईवे पे आ गए हैं, और वो सीधा जो हाईवे जा रहा था भोपाल की तरफ जा रहा था, और ये यहाँ से कट ले लिया हमने राइट की तरफ, तो अभी हम पहुँच जाएंगे इंदौर और उज्जैन की तरफ, ये वाला रास्ता जाता है। गाते गुनगुनाते और हम पहुँच गए अब महाकाल की नगरी में। बस यहाँ से मैं कितना होगा, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर और होगा यहाँ से। बाकी मैडोग की लाइटों की रोशनी बहुत सही है यार, मतलब है ना पूरा दिन निकाल देती है। मैंने ब्लैक वाइजर लगा हुआ है उसके बाद भी ना मतलब सही है ये लाइटें यार। बस वो जो स्टॉलिंग वाला इशू आ रहा है वो इसकी वजह से तो नहीं आ रहा, मुझे ये एक बार चेक कराना पड़ेगा। चलो अब पहुँचते हैं नगरी में, फिर वहीं पे मैं आपसे आगे रूबरू कराता हूँ। और शाम के टाइम पे जो उज्जैन वाला कॉरिडोर है ना वो बहुत मस्त बन जाता है यार, वो दिखाऊंगा आपको, एकदम पूरी लाइटनिंग हो जाती है उसमें और क्या नज़ारा आता है, अलग ही लेवल का यार, नेक्स्ट लेवल, वो अद्भुत नज़ारा, वो ज़रूर दिखाऊँगा मैं आपको। और ये जो राइड है ना भाई नॉन स्टॉप हो रही है, कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं लिया हमने ऐसा सच, और कंटिन्यू चला रहा हूँ मैं। अब जाके थोड़ा सा हमने सोचा कि यार धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचते हुए आए हैं, आधे घंटे का हुआ है थोड़ा सा गेन, लेकिन मोर लेस जितना गूगल दिखा रहा ना भाई वो उसके हिसाब से ही पहुँच पाता आदमी, ये 2-3 बार मैंने करके देख लिया तो है, गूगल सेंस तो कर लेता भाई। इतना बेवकूफ है यार ये आदमी, पी 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 लगा हुआ है। एनीवे फाइनली गाइस उज्जैन में आपका स्वागत है, और हम पहुंच चुके हैं भाई, एंट्री कर ली अब हमने उज्जैन में ऑन रिकॉर्ड विदाउट स्टॉप। गाइस दिस इज द कॉरिडोर जो सीधा उज्जैन के अंदर जाता है और महाकाल के दरबार तक जाता है। तो भाई मैं फाइनली पहुंच गया हूं आज उज्जैन, और मैंने ले लिया है यहां पे गुरुजी का आश्रम जो कि हरियाणा सेवा आश्रम के नाम से है, और बहुत बढ़िया आश्रम होटल के जैसा है, और मैं दिखाता हूं थोड़ा सा चेकआउट कराता हूं। तो ये मैं दिखा रहा हूं भाई जो मैंने आश्रम में जिसमें मैंने आज स्टे करना है वो वाला आश्रम ये है, और हरियाणा सेवा समिति के नाम से ये आश्रम है, बहुत सही बना हुआ है यार, बढ़िया एकदम परफेक्ट है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, खुला खुला पूरा एरिया है, यहाँ पे आपको पूरी अच्छी खासी पार्किंग भी मिल जाएगी, और जो है अपनी जो बाइक है वो हमने यहाँ कर दी है खड़ी। आई होप वीडियो क्लियर आ रही होगी, लाइटनिंग थोड़ी सी यहाँ पर पुअर है, बाइक अपनी यहाँ खड़ी होगी, स्टे करने के लिए अपने पास ये जगह होगी, और रूम लिया हमने फर्स्ट फ्लोर पर 2nd नंबर, और सुबह उठ के दिखाऊंगा कि रूम हमने कैसा लिया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत थक गया हूँ यार, मतलब नॉन स्टॉप चलाई आज हमने बाइक, यू कांट इमेजिन भाई, ये वाला लिटरली नॉन स्टॉप है, और 750+ किलोमीटर ये पड़ा था मुझे दिल्ली से जब मैं यहाँ आया हूँ, तो अभी बॉडी बहुत थक गई है गाइस, और बस अब ऐसा हो रहा है कि पढ़ के सो जाऊँ। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड भाई,
और बाकी का जो सिनेरियो होगा वो कल मॉर्निंग में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट डे स्टे ट्यून, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और भी बेहतरीन जो है ना वीडियो आने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मैं विनय जाटसन एक बार फिर से लेता हूँ साइन ऑफ। टिल देन, जय महाकाल, जय श्री राम, थैंक यू।